सो दोस्तों फाइनली मैं अपने नाम से लोन लेकर और आपको दूंगा, क्योंकि आप अपने नाम से लोन के लिए अप्लाई करते तो आपको नहीं मिलता है। काफी क्रिएटर का और मेरा वीडियो देख देख कर बोर हो चुके हैं कि मैं बहुत सारे अप्लाई किया बट मेरा रिजेक्ट कर दिया और मुझे लोन ही नहीं मिला। तो दोस्तों आज एक ऐसे एप्लीकेशन पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। उस एप्लीकेशन से अगर आप चाहते हैं लोन लेना तो बिल्कुल ही आप उस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक पे मैं बात करने वाले हैं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना। अगर आप देख लेते तो बिल्कुल ही आज से आपको कुछ ना कुछ लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आ जाना होगा। प्ले स्टोर में आने के बाद सिंपली ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है हैंडी लोन, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले इसके बारे में कुछ देख लेता हूं, उसके डिटेल देख लेता हूं, फिर इसमें यहां पे लोन के लिए अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 2000 से लेकर 2 लाख का आपको लोन मिलने वाला है और उसके साथ साथ कितना जीएसटी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट चार्ज कितना देना होगा, ये पूरा फुल डिटेल्स दिए हुआ है। अगर आपको बारी बारी से बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप ये भी छोड़ दोगे। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है। गाइस यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको लोडिंग होगा। लोडिंग लेने के बाद स्क्रॉल ऊपर करना है। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद सिंपली आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद टिक करना है, सेकंड चलेगा, सेकंड को वेट करना है। सेकंड को वेट करने के बाद सिंपली आपको करना है क्या, एग्री पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं एग्री पे क्लिक कर रहा हूं। जो भी परमिशन आपका अलाउ का मांगेगा फाइनली अलाउ कर देना है। गाइस मैं देख सकते हैं मैं अलाउ कर दिया हूं, इसी तरीके से आपको भी अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर लोन लिमिट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली लोन लिमिट जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 है, जो आपको यहाँ पे कितना दिन में आपको लोन पैड करना होगा वो आपको दिखा रहा है और कितना इंटरेस्ट चार्ज है वो भी आपको दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, स्टार्ट लोन पे आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट लोन पे क्लिक करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिखने के बाद OTP पे क्लिक करना। जैसे OTP पे क्लिक कीजिएगा तो मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इस पर क्लिक करके और लोन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। चलिए गाइस फुल स्टॉप कर लेता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे मैं लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है आई एग्री। गाइस यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा आ चुका है। ऐसा आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आधार कार्ड में यहाँ पे सबसे पहले का जो ऊपर का साइड होता है उसका फोटो खींचना है, उसके बाद पीछे का खींचना है, उसके बाद पैन कार्ड के आगे खींचना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट तीनों को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे अपलोड किया हूँ, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स शो कर रहा है। सिंपली इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पर टिक करके आपको कंफर्म कर देना है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं कंफर्म कर दिया हूँ। कंफर्म करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। ऐसा आने के बाद यहाँ पे लिखा ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में बता रहे कि आप क्या है, एक स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है या क्या प्रोफेसर है या क्या है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे क्या है तो फाइनली वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों वर्कर है तो वर्कर क्लिक करना है और यहाँ पे वर्कर में क्या है तो चलिए फार्मर कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या कमाते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अपने हिसाब से जो चाहे वो कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे एक एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी डिटेल्स मांगेगा वो आपको डिटेल्स फिलअप कर देना होगा। तो पहला आपको यहाँ पे एजुकेशन, तो एजुकेशन में बोला है क्या आप एजुकेशन में मास्टर है, डॉक्टर है, क्या है, हाई स्कूल सेकेंडरी। चलिए दोस्तों आपको हाई स्कूल कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी के साथ यहाँ पे आपका शादी हुआ यानी मैरिड या अनमैरिड वो आपको कर लेना है। चलिए गाइस यहाँ पे कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रेन, आपके पास कितने बच्चे हैं। चलिए दोस्तों आपको अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको पोस्टल अकाउंट ये जो आपका पिन कोड होता है वो आपको डाल लेना है। चलिए दोस्तों डाल दिया। उसके बाद रेसिडेंट क्या आपको यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे क्या है पीजी वगैरह अदर कर दिया हूँ। चलिए दोस्तों अदर करने के बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस देना है। एड्रेस में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अपना सिटी सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों फटाफट यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ।
गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अपना एड्रेस, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपको लिखना है और आपको एक ईमेल आईडी डाल के फाइनली आपको कंटिन्यू कर देना है। गाइस यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, और कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आने के बाद कॉन्टेक्ट बता रहा है। कॉन्टेक्ट ये बता रहा है कि आपको 3% का आपको इमरजेंसी के लिए आपको कॉन्टेक्ट देता है। ये क्यों लेता है? तो दोस्तों अगर आप लोन नहीं करेंगे या किस पर्पज से वो फाइनल वेरीफाइड के लिए आपको ये ले रहा है कि ये सही बात ये ले रहा है और आपको ये सही बंदा है या क्या है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी ऐसे बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे 3 बंदे का अपने फ्रेंड या घर के फैमिली या किसी का 3 बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर और उसका नाम और वो रिलेशनशिप में क्या लगते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए गाइस फटाफट फिलअप कर लेता। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं फिलअप कर दिया हूँ। फिलअप करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आ चुका है यहाँ पे कि प्लीज फिल इन द बैंक और UPI इंफॉर्मेशन करेंटफुली द इंफॉर्मेशन कनेक्ट बी चेंज आफ्टर सबमिट। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक का इन्फॉर्मेशन देना है, जब आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा तो इस एप्लीकेशन से तो वहाँ पे आपको लोन भेज दिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप चाहते तो बैंक अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं या चाहे तो आप यहाँ पे UPI ID भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर करके यहाँ पे किसी किसी को UPI ID नहीं पता रहता है और उसको मालूम नहीं कि UPI ID क्या होता है। अक्सर करके बंदे गाँव देहात में वो उसके पास खाते रहते हैं, बैंक अकाउंट रहते तो बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना है क्या, सिंपली यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखना है यहाँ पे कि आपका कौन बैंक का नाम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको बैंक का नंबर यानी कि बैंक का नंबर अकाउंट नंबर लिख लेना है। उसके बाद अपने बैंक का IFSC कोड लिखकर और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आगे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सिंपली आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा और आपके अकाउंट में भेज देगा। अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह अगर अच्छा रहा मिला जुला के थोड़ा सा भी तो अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। गाइस आप इसी तरीके से इस एप्लीकेशन से लोन के लिए इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले भाई के इस वीडियो का लाइक कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल पे पहली मरतबा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे एक लाल बेला होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर नए वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।